Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. And today we are going to start chapter number 13. And the name of our chapter is Weather and Season. So, chaliye chapter start karte hain. सम एंड सब्सटेंस इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वेदर के बारे में, सीजन्स के बारे में, डिफरेंट सीजन्स के बारे में, लाइक विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन के बारे में. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी, टिक द करेक्ट पिक्चर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको सही पिक्चर पर टिक का निशान लगाना है. जैसे पहला क्वेश्चन है, इट इज वेरी कोल्ड वियर योर, जब बहुत ठंड होती है आप पहनते हैं गॉगल्स या फिर स्वेटर, तो सही पिक्चर पे आपको टिक का निशान लगाना है. नाउ वी विल लर्न अबाउट वेदर. वेदर क्या होता है? द डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड वेदर. आपने देखा है कई बार एकदम से ठंड लगती है, एकदम से गर्मी, एकदम से मौसम अजीब सा हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो वेदर होता है जब एक जगह का वेदर डे टू डे चेंज होता है. द वेदर कैन चेंज इवन विद इन अ सिंगल डे और एंड इट इज नॉट स्टेबल थ्रू आउट द ईयर. वेदर एक दिन में भी चेंज हो जाता है, लंबे समय तक नहीं रहता है. इट मे बी हॉट, वो गर्म हो सकता है, ठंडा, ड्राई, वेट, सनी, विंडी, रेनी या फिर स्टॉर्मी, किसी भी तरह का वेदर हो सकता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट सीजन. सीजन क्या होते हैं? व्हेन द वेदर रिमेन सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट इज कॉल्ड अ सीजन. जब एक जैसा वेदर लंबे समय तक रहता है उसे हम सीजन कहते हैं. जैसे हम कहते हैं 3 महीने गर्मियों के हैं, 3 महीने सर्दियों के हैं, तो वो एक क्या है, लंबा टाइम पीरियड है, उसे हम सीजन कहते हैं. द ईयर इज डिवाइडेड इंटू सीजन बेस्ड ऑन द वेदर. साल के 12 महीने अलग अलग डिवाइड किए गए हैं सीजन्स में अकॉर्डिंग टू वेदर. इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन. इंडिया में 3 मेन सीजन होते हैं. कौन कौन से? विंटर, समर एंड रेनी. देयर आर ऑल्सो 2 shorter seasons. 3 तो मेन होते हैं लेकिन 2 और छोटे सीजन होते हैं. कौन से हैं वो? स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट विंटर सीजन. विंटर सीजन कौन सा होता है? वो मौसम जब बहुत ठंड होती है, आप सब वूलन कपड़े पहनते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं? गरम गरम चीजें. तो वो सीजन होता है विंटर सीजन. ड्यूरिंग विंटर द वेदर इज वेरी कोल्ड, स्नो मे फॉल इन माउंटेन एरिया. विंटर का सीजन जो होता है वो बहुत कोल्ड होता है और क्या होता है उसमें? स्नो मे फॉल इन माउंटेनस एरिया, जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर बर्फ गिरती है. द कोल्डेस्ट मंथ आर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. तो सबसे ठंडे मौसम कौन कौन से हैं? दिसंबर, नवंबर एंड जनवरी, 3 महीने ठंड के होते हैं. इट कैन रिमेन कोल्ड इन टू फरवरी इन सम प्लेसेस. और कुछ जगहों पर फरवरी में भी क्या रहती है? ठंड रहती है. पीपल वियर वूलन क्लॉथ सच एज कोट, जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, कैप एंड मफलर टू स्टे वार्म. और अपने आप को गर्मा ही पहुंचाने के लिए लोग स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और मफलर और ग्लव्स का यूज करते हैं. हीटर्स आर यूज टू वार्म होम एंड हॉट बेवरेज लाइक टी, मिल्क एंड कॉफी आर पॉपुलर. लोग घरों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या रहे? घर में गर्मा ही रहे. और गर्म बेवरेज, गर्म पदार्थ, तरल पदार्थ कौन कौन से? चाय, कॉफी पीना अच्छा लगता है. फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस सीजन. अंगूर और संतरा क्या है? सर्दियों के मौसम के फल है. और इस मौसम में कौन सी सब्जियां आती हैं? बंद गोभी, गाजर, पालक, मटर और पत्ता गोभी. वैसे तो सारे फ्रूट्स वेजिटेबल 12 महीने मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं खाने में. नाउ वी विल लर्न अबाउट समर सीजन. गर्मियों का मौसम जो बहुत गर्मी होती है और क्या होता है, हम एसी का यूज करते हैं, ठंडी ठंडी चीजें खाना हमें अच्छा लगता है.
Summer is the hottest season of the year, with April, May and June begin the peak months. During this time, people prefer to stay indoor during the hottest part of the day. April, May and June, ये क्या होते हैं? सबसे गर्म महीने होते हैं. लोगों को घर के अंदर रहना ही अच्छा लगता है. वो कोशिश करते हैं कि जब ज्यादा गर्मी हो तो वो घर के अंदर ही रहे. फैन, कूलर और एसी का यूज करते हैं ताकि क्या हो, घर ठंडा रहे. आप सब भी जब गर्मी होती है एसी के आगे सोते हैं. सबको अच्छा लगता है एसी और कूलर के आगे सोना. समर डेज आर लॉन्ग एंड नाइट आर शॉर्ट. समर में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं और रातें बहुत छोटी होती हैं. पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ सच एज स्कर्ट, शर्ट, टी शर्ट एंड शॉर्ट. और समर के मौसम में कॉटन कपड़े पहनना अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. शर्ट, टी शर्ट, फ्रॉक, इस तरह के कपड़े पहनना अच्छा लगता है. फ्रूट्स लाइक, और गर्मियों में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं? आम, तरबूज, लीची, जामुन, इस तरह के फ्रूट्स गर्मियों में आते हैं. पीपल इंजॉय स्विमिंग एंड ईटिंग कोल्ड ट्रीट्स लाइक जूस, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम. गर्मियों के मौसम में लोगों को तैरना या फिर हम कहते हैं स्विमिंग करना अच्छा लगता है. आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक पीना भी सबको पसंद आता है. द हॉट एंड ड्राई विंड्स ड्यूरिंग दिस सीजन आर कॉल्ड लू. और दोपहर के समय गर्म हवाएं चलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट रेनी सीजन, बरसात के मौसम. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द रेनी सीजन और मॉनसून एक्यूर फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. रेनी सीजन जून से लेके सेप्टेम्बर तक रहता है. और इसमें क्या होता है, बारिश होती है, तालाब, नदियां, पॉन्ड क्या होता है, भर जाते हैं. किससे? बारिश के पानी से. और जब बरसात होती है सड़क पर भी क्या होता है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो पानी से भर जाते हैं. चारों तरफ कीचड़ होता है. टू स्टे ड्राई, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए लोग रेन कोट का यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं और वो यूज करते हैं गम्बूस का. तो इन सब चीजों का यूज हम रेनी सीजन में करते हैं. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, रेन कोट, अम्ब्रेला एंड गम्बूस आर यूज इन रेनी सीजन. नाउ वी विल लर्न अबाउट स्प्रिंग सीजन. अब हम स्प्रिंग सीजन के बारे में पढ़ेंगे. स्प्रिंग सीजन इज द मोस्ट प्लीजेंट एंड शॉर्टेस्ट सीजन. स्प्रिंग सीजन सबसे बढ़िया मौसम होता है, सबसे प्लीजेंट और सबसे छोटा होता है. ये कब होता है? ये विंटर और समर के बीच में होता है, इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च. इस मौसम में ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है. नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पे नई पत्तियां आती हैं. एंड बर्ड्स नेट्स एंड ले एग, और चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, उसमें अंडे देती है. पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं, नए नए फूल आते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं. फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, लेमन एंड एप्रिकॉट्स आर अवेलेबल. और इस मौसम में अंगूर, नींबू और एप्रिकॉट क्या होता है, फल आते हैं. पीपल स्पेंड टाइम आउटडोर ड्यूरिंग स्प्रिंग. और स्प्रिंग सीजन में लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर बिताना पसंद करते हैं. नाउ इंटरप्रिटेशन. स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड बसंत. स्प्रिंग सीजन को बसंत भी कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑटम सीजन, मतलब पतझड़ का मौसम. चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. ऑटम सीजन फ्लो द रेन्स, इट्स कम आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर. ऑटम सीजन मतलब पतझड़ का मौसम, ये कौन से महीने में आता है? ये सितंबर और अक्टूबर में. ये मौसम समर के बाद और विंटर से पहले आता है. पेड़ों पे क्या होता है, कोई भी पत्तियां नहीं होती, लीव्स फॉल होती है. देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं कैसे पेड़ हरा भरा नहीं है, पत्तियां झड़ गई, इसीलिए उसे पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है. This season is dry and windy. और ये season कैसा होता है, dry होता है और बहुत ज्यादा windy होता है. It changed the weather condition from hot summer to cold winter. और इस season में क्या, गर्मी से एकदम क्या हो जाता है, cold winter, ठंडा मौसम हो जाता है. जो पत्तियां होती हैं वो yellow, orange और brown color में
हो जाती है, ग्रीन से एकदम देखिए उनका कलर चेंज हुआ और क्या हुआ, शेड ऑफ, सारे पेड़ों से पत्तियां झड़ गई। ग्वावास एंड एप्पल्स आर फाउंड इन प्लेंटी इन दिस सीजन, और इस मौसम में अमरूद और सेब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नाउ टाइम टू हैव अ लुक ओवर द डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड वेदर। When weather remains same for a long time, it is called season. In India, there are three main season in a year. भारत में तीन main season होते हैं, कौन कौन से, summer, winter and rainy. Winter season starts in November. In summer season, days are long and nights are short. Spring is the most pleasant season. Now we have to do some exercise. फर्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करिए। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, कुछ पेड़ अपनी पत्तियां झाड़ते हैं या पेड़ों की पत्तियां झड़ती हैं, कौन से मौसम में, समर, रेनी, विंटर या ऑटम। तो सही ऑप्शन है ऑटम सीजन। द मोस्ट प्लीजेंट सीजन इज, सबसे बढ़िया सीजन कौन सा होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग या रेनी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्प्रिंग सीजन। दैट इज अ विंटर मंथ, बताइए कौन सा विंटर का मंथ है, अगस्त, दिसंबर, सितंबर या अप्रैल। तो सही ऑप्शन है दिसंबर। द रेनी सीजन कम्स आफ्टर, रेनी सीजन किसके बाद आता है, विंटर्स के बाद, समर के बाद, ऑटम के बाद या नन ऑफ दीज, तो वो आता है समर के बाद। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प बॉक्स। अब आपको खाली स्थान भरने हैं, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसकी हेल्प से। दैट इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा गर्म सीजन कौन सा होता है, तो सही ऑप्शन है समर, SUMMER, समर। गम बूट्स हेल्प नेविगेट रैश पार्ट, कैसे हम गम बूट पहनते हैं, कौन से रास्ते से गुजरने के लिए या कौन से रास्ते से अपने पैरों को बचाने के लिए, तो वो होता है मडी, कीचड़ से। नंबर थ्री, डैश क्लॉथ्स कीप अस वार्म, कैसे कपड़े हमें गर्मा ही देते हैं, तो सही ऑप्शन है वूलन, WOOLEN, वूलन। डैश इज द शॉर्टेस्ट सीजन, सबसे छोटा सीजन कौन सा होता है, तो वो है स्प्रिंग सीजन, हम यहां लिखेंगे SPRING, स्प्रिंग सीजन। डैश आर यूज्ड इन होम्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में घरों में क्या यूज होता है, तो होता है हीटर्स, HEATERS, हीटर्स। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताइए जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं। नंबर वन, द वेदर मे चेंज इन अ डे, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है, वेदर एक दिन में भी चेंज हो जाता है। रेनी सीजन कम्स आफ्टर विंटर सीजन, विंटर सीजन के बाद रेनी सीजन आता है, नो, विंटर सीजन के बाद रेनी सीजन नहीं आता, वो समर सीजन के बाद आता है। नंबर थ्री, फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। Now exercise D, answer in one word, a summer fruit, summer का fruit कौन सा होता है, बताइए गर्मियों में आता है mango। Number two, autumn month, autumn month कौन सा होता है। Number three, some things we carry to keep ourselves dry, जब बारिश होती है अपने आप को सूखा रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर, अ विंटर वेजिटेबल, आपको एक विंटर वेजिटेबल का नाम लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन डी आप खुद करेंगे, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट वेदर एंड सीजन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।